बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों के लिए, तमाम परदेसियों के लिए। मैं ये खबर आपके साथ सिर्फ भाई इसलिए शेयर करता हूँ कि तमाम मेरे दोस्त भाई अहबाब, जो अल्लाह ना करे जी, तमाम मैं यही दुआ करूँगा मेरे परदेसियों भाइयों को अल्लाह ताला के साथ सुख दे, क्योंकि पीछे बैठी फैमिलीज़ को सुख देते हैं। बेसिकली ना एटीएम कार्ड के तौर पर हम काम करते हैं। अभी आप समझ रहे होंगे एटीएम कार्ड यार, हम एटीएम कार्ड हैं वो जो पाकिस्तान में या यहाँ पर, आपको पता है एटीएम कार्ड हम मशीन में डालते हैं, वो मशीन एक्सेप्ट करती है, पिन कोड मांगती है, हम पिन कोड लगाते हैं, रकम लिखते हैं, इतनी रकम चाहिए, वो कार्ड पकड़ो, रकम पकड़ो, घर जाओ। अच्छा, एटीएम कार्ड के तौर पर परदेसी ऐसे हैं कि वो हमें परदेश भेजते हैं, बाद में चाहे हम अपनी मर्ज़ी से आते हैं लेकिन घर वाले भेजते ही तो आते हैं ना, उसके बाद वो हमारा नंबर डायल करते हैं, पिन कोड लगाते हैं, उसके बाद रकम का मुतालबा किया जाता है जी, इतनी रकम, उसके बाद रकम वो हम भेजते हैं, वो बैंक से निकाल लेते हैं और वो एटीएम कार्ड भी अपनी जेब में रखते हैं, यानी कि हमें भी अपनी पॉकेट में रखते हैं, दोबारा कॉल नहीं करनी। तो इसलिए परदेशियों को मैं मुशाहबत देता हूँ एटीएम कार्ड से। अच्छी बात है यार, फ़ायदा देते हैं फैमिलीज़ को और अल्लाह ताला की ज़ात तमाम परदेशियों को सुख देगी। मैं बेसिकली बात करने वाला था ऐसे जो मेरे परदेसी भाई हैं जिनके अल्लाह ना करे जी काम एक्सपायर हैं, हरूब है, मतरूब है, बदून कफील हैं, साय खास हैं, अमल मंजिली हैं, यानी कि साय खास अमल मंजिली, आपको पता हर टाइम सर के ऊपर वो तलवार ही लटकती रहती है उनके, कहीं भी छूटता पकड़ लेगा तो मुश्किल बन जाएगी। और वो तमाम दोस्त जो किसी कंपनी में सस्ते के अंदर हैं और वहाँ से सैलरी भी नहीं मिल रही है और ना खरूज वो दे रहे हैं, ना छुट्टी भेज रहे हैं, ये काम एक्सपायर है, ऊपर सैलरी भी 5-5, 7-7 नीचे है और मामला बहुत हद तक ख़राब हैं। तो अच्छा, बहरहाल ऐसे तमाम दोस्तों के लिए ये खबर होती है। बेसिकली अगर आप यहाँ पर बैठे इन्हीं में से कोई किसी मसले से दो चार हैं तो आप पाकिस्तानी सफारा से जाकर मुझसे भी बेहतर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपने मिसाल के तौर पर सफारा आपसे दूर है, जैसे जद्दा में और रियाज में, आपको पता दो ही सफारा हैं पाकिस्तान, टीमें मुख्तलिफ शहरों में जाती रहती हैं, उसके मतलब मैं वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर देता हूं मैं। तो भाई एक ना मैं आप तमाम, अगर आप ये चाहते हैं कि आप लीगल तरीके से एक खरू चला जाएँ बाइज्जत तरीके से और दोबारा नए वीज़ा से आ भी सकें, और या आप यहाँ पर नकल कफाला यानी कि तनाजल हो जाए भाई कहीं और अच्छी जगह के ऊपर और मैं लीगल हो जाऊँ और भाई काम मेरा बेहतर हो जाए यार, सैलरी वगैरह टाइम से मिलने लग जाए और मैं लीगल हो जाऊँ, छुट्टी चला जाऊँ, तो भाई एक वाफ्टिंग पेपर होता है, व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ मैं। मज़ीद आपने इसके मतलब कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चलते हैं जी खबर की तरफ, बातें तो बहुत हैं और लंबी होती जाएंगी। तमाम परदेसियों को मेरी ये इल्तजा है जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लीगल हो जाएँ तो बेस्ट यही है, बाकी अगर किसी ने खरूज जाना तो हर बंदे का अपना हिसाब है जी, अपनी मर्ज़ी है। और वैसे पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर एक मुझे बात सुनने को मिली है, मशहूर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक दोस्त था, वो गया हुआ बोलता है जी दूसरे दोस्त से कि हाँ भी जा रहा है वापस, तो मुझे बता रहा था टेलीफोन के ऊपर, वो उसने मुझे बोला कि हाँ भी वापस जा रहा है, तो मैंने उसको बोला हाँ वापस जा रहा हूँ और यहाँ पर रक्षा चलाना है। तो पता है उसने क्यों बोला, वो जो पहले वाला दोस्त था ना वो पहले यहाँ सऊदीया रह के जा चुका है, अभी रक्षा चला रहा है, तो उसने उसको बोल दिया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बहरहाल वो लोग, इसलिए आपको बोलता हूँ यहाँ पर लीगल हो जाएं तो बेस्ट यही है, आप 6 माह छुट्टी चले जाएंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। चलते हैं जी इस न्यूज़ की तरफ और बातें वही जी लंबी होती जाएंगी, आपको मैं साथ में दिखा रखा हूँ भाई। मैं इसमें अगर टोटल की बात कर लें, 21,971 बंदे सऊदी अरेबिया पिछले 7 दिनों के अंदर गिरफ्तार किए गए हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको ये एक चीज़ वाजा कर दूं जी, मुखालफा निज़ाम अल इकामा जिनके इकामा एक्सपायर थे उनकी तादाद है जी 13,186, 13,000 प्लस में बंदा इकामा एक्सपायर वाला गिरफ़्तार होता है। और इसमें वाजह कर दूं कि साय खास आमल मंजरी बदून कफील वाले सभी इसमें शामिल होते हैं। और एक चीज़ और है जी कि आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा कर लें कि 13,000 प्लस में बंदा पिछले 7 दिनों में गिरफ्तार होता है, सिर्फ इकामा एक्सपायर वाला कितने हज़ार या कितने लाख दुनिया के इकामा एक्सपायर होंगे। आगे अगर बात करें मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद 5,427 बंदे, ठीक है 5,427 बंदे गिरफ़्तार हुए हैं, ये गैर कानूनी तरीके से इंटर या निकलते हुए जो पकड़े जाते हैं। आगे अगर बात कर लें मुखालफा निज़ाम अल अमल, ठीक है जी, इनकी तादाद है 3,358, यानी कि ये वो बंदे हैं जो साय खास अमल मंजरी बदून कफील पकड़े जाते हैं, बाहर काम करते हुए पकड़े जाते हैं, मुखालफा निज़ाम अल अमल ये वो है जी, और ये 3,358 बंदे वो गिरफ़्तार हुए हैं। बहरहाल नीचे एक चीज़ मैं आपको बड़ी करके दिखा रहा हूँ, ये है जी तरहील सऊदी अरेबिया से कितने मेरे दोस्त यहाँ से डीपोर्ट किए गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया, तो भाई उनकी तादाद है 12,355,
ठीक है, 12,500 बंदा तकरीबन सऊदी अरेबिया से डीपोर्ट किया जाता है पिछले 7 दिनों में। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इसमें जेलों में कितने पर मेरे परदेसी भाई फंसे हुए हैं, और इसके अलावा जो बदून कफील इकामा एक्सपायर हरूब वाले कंपनी वगैरह मुसस्सा वगैरह से भागे हुए सभी इसमें आ जाते हैं। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही होता है, मैंने व्हाट्सअप नंबर जैसे आपको दिखाया है कि आप अपना वो वापसी का पेपर निकलवा लें, उससे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी।